अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैम, मुल्क से दूर यहाँ पे बसंत का जो इवेंट मनाया जा रहा है जी, आपको कैसा फील हो रहा है? और आप हमारे नाज़रीन को बताएंगे कि आप मुल्क से दूर कैसा यहाँ पे कैसा फील कर रही हैं? नहीं, अच्छा है, इन्वायरमेंट अच्छा है यहाँ पर, सेफ एंड साउंड, और मुल्क से दूर है तो इसीलिए मना रहे हैं कि मुल्क की याद ताज़ा हो रही। अच्छा, यानी कि यहाँ बैठ के मुल्क की याद तो आपको आती है, उसी याद में आप मना रही हैं। एग्जैक्टली, लाहौर में बसंत एक बड़ा इवेंट था, वहाँ पर नहीं होता, अब यहाँ पर वो फील लेने की कोशिश कर रहे हैं। और गुड़ियाँ वगैरह तो नहीं उड़ा रही आप? नहीं, मैं तो नहीं, तो मैं तो अपने बेटों की सपोर्ट के लिए आई हूँ। अच्छा, बेटों की सपोर्ट करने के लिए है। ओके आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये मुल्क से दूर यहाँ पे जो बसंत का इवेंट मनाया जा रहा है, तो सर आप हमारी नाज़रीन को बताएं कि आप कैसा फील कर रहे हैं यहाँ पे? बहुत ही ज़बरदस्त फील कर रहे हैं, सेम पाकिस्तान जैसा माहौल हम यहाँ यूएई में महसूस कर रहे हैं, और हर तरह के लोग यहाँ पे आए हुए हैं इन्जॉयमेंट के लिए, और क्या कह सकते हैं, हाथ फेर रहे हैं, छेल पेल कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, और आपस में जितना भी मतलब छेल पेल हो सकती है उससे ज़्यादा मतलब हम कोशिश कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं माहौल कैसे मतलब बना हुआ है, गर्म माहौल इस टाइम। मैं मरदान से हूँ। आप मरदान से हैं? मरदान में तो पतंगबाजी नहीं होती मेरे ख्याल से? पहले होती थी, अभी तो पूरे पाकिस्तान में बंद हो गई है बसंत, मतलब पहले उधर सीज़न होता था, अभी माहौल ऐसा बन गया कि क्रिकेट का ट्रेंड चल रहा है, तो ये अभी नहीं होता हमारे इलाके में। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं पाकिस्तान को। हम चाहते हैं कि जिस तरह की यहाँ पे बसंत मनाई जाती है, इतना मतलब कि यहाँ पे इंतजाम किया जाता है, यहाँ की यूएई की हुकूमत यहाँ पे इतना ज़्यादा पाकिस्तानियों के साथ करती है, और जो फेवर देती है, यहाँ पे एम्बुलेंस होती है, पुलिस की पूरी गाड़ी होती है, इसी तरह ही वहाँ पे पाकिस्तान में लाहौर में भी ऐसे बसंत हो सकती है अगर ये वहाँ पे खुली जगह पे करें और इस तरह के इजाज़त दें, और वहाँ पे पूरा अगर शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब अगर ऐसा करें तो बसंत बहुत अच्छे तरीके से मनाया जा सकती है। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।